कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन आपसी रंजिशों और बाहमी इख्तलाफात की वजह से यही जोड़े ज़मीन पर टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सियासतदानों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे उनकी बेगमात ने तलाक ली या ख़ुद उन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले नंबर पर एक ऐसे सियासतदान के बारे में बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शादियों और तलाकों का रिकॉर्ड रखते हैं। साबिक MNA, वफाकी वज़ीर, साबिक गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के हवाले से कई खबरें मीडिया की जीनत बन चुकी हैं। 90 की दहाई में जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर वफाकी वज़ीर थे तो उन्होंने आयशा भट्ट नामी एक खातून से शादी की और अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए ये इंफॉर्मेशन दी कि यह उनकी सातवीं शादी है। जबकि मशहूर गैर मुल्की मीडिया ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर 9 बार दुल्हा बन चुके हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपने एक TV इंटरव्यू में बताया था कि मैंने आज तक खुद किसी बीवी को तलाक नहीं दी, जितनी भी अलहदगियाँ हुई हैं उनमें हमेशा ख़वातीन ही ने मुझसे खुला ली। याद रहे कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उन्होंने 2018 का जनरल इलेक्शन भी लड़ा लेकिन नाकाम रहे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी साबिक अहलिया मोहतरमा तहमीना दुर्रानी ने माय फ्यूडल लॉर्ड के नाम से किताब भी तहरीर की, जिसमें उन्होंने ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की शादियों, आदात व सकनात और घरेलू ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिख डाला। तहमीना दुर्रानी की ये किताब मेडा साई के नाम से उर्दू में भी पब्लिश हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली के कायदे हिजब इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने 2018 के जनरल इलेक्शन से कबल जमा करवाए गए नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी बेगमात में मोहतरमा नुसरत शहबाज और तहमीना दुर्रानी का नाम लिखा। शहबाज शरीफ के हवाले से भी बताया जाता है कि उन्होंने कई शादियां की जिसमें नरगिस खोसा, आलिया हनी और कुलसुम हई के नाम लिए जाते हैं। छोटे मियाँ की इन खवातीन से अलहदगियाँ हो चुकी हैं। याद रहे कि शहबाज शरीफ की साबिका अहलिया मोहतरमा नरगिस खोसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा की बहन थी। उनकी पहली अहलिया मोहतरमा नुसरत शहबाज हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की वालिदा है, जबकि तहमीना दुर्रानी शहबाज शरीफ से कबल उनीस खान और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की अहलिया थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मोहतरमा तहमीना दुर्रानी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके नाना लियाकत हयात खान रियासत पटियाला के दीवान, जबकि लियाकत हयात के छोटे भाई सिकंदर हयात खान पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब के वज़ीर आज़म थे और तब सूबा पंजाब दिल्ली से लेकर डेरा गाजी खान तक फैला हुआ था। छोटे मियाँ के साहबजादे हमजा शहबाज की बीवियों के नाम मेहरुन्निसा हमजा, राबिया अकरम खान और आयशा अहद मलिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में सिर्फ 2 शादियों का एतराफ़ किया। वाजह रहे कि साबिक MPA अहद मलिक के साहबजादी आयशा अहद मलिक और हमजा शहबाज के माबैन एक तवील अरसे तक अदालती जंग चलती रही। आयशा अहद के मुताबिक हमजा शहबाज ने उन पर झूठी FIRs कटवा कर हवालात में बंद करवाया, जहाँ उन्हें बेईमाना तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। याद रहे कि आयशा अहद हमजा शहबाज के खिलाफ कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। नंबर 3 पर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पहली शादी शीरी अमीर बेगम से 1943 में की। मिस्टर भुट्टो और शीरी अमीर की कोई औलाद ना हुई और 2 साल बाद दोनों में अलहदगी हो गई। इसके 6 साल बाद भुट्टो साहब ने 1951 में अपनी दूसरी शादी ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नुसरत इस्फ़हानी से की। दोस्तों, मैं बेगम नुसरत भुट्टो के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत इस्फ़हानी की पहली मुलाकात से दोस्ती और फिर शादी के बारे में बताया था। आप ये वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 4th नंबर पर हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी। पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी की पहली बीवी नियाज फातिमा साल 1922 में इंतकाल कर गईं। 1940 में मिस्टर सोहरवर्दी ने दूसरी शादी रूस के मॉस्को आर्ट थिएटर में काम करने वाली पॉलिश एक्ट्रेस वेरा अलेक्जेंड्रोवना से की।
कबूला इस्लाम के बाद वेरा ने अपना नाम बदलकर बेगम नूर जहां रख लिया। फिर चंद वजूहात के बायस हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 1951 में वेरा अलेक्जेंड्रोवना को तलाक दे दी। अगर दोनों में अलहदगी ना होती तो 1956 में वेरा पाकिस्तान की खातून अव्वल होती। तो आइए अब नंबर 5 पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को डिस्कस करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 3 शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली शादी साल 1995 में इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली जमायमा गोल्डस्मिथ से हुई और 9 साल बाद 2004 में दोनों की अलहदगी हो गई। इमरान खान ने अपनी दूसरी शादी टीवी एंकर रेहम खान से इस्लामाबाद धरने के फौरी बाद 2014 में की। रेहम खान इससे पहले भी शादीशुदा थी। हमारे कप्तान और बीबी रेहम के दरमियान ज़्यादा ना बन पाई और शादी के चंद महीने बाद रेहम खान ने उनसे तलाक ले ली। याद रहे कि इलेक्शन 2018 से कबल रेहम खान ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक मुतनाज़ किताब भी तहरीर की, जिसके कई इक्तसाबात आप भी देख चुके होंगे। नंबर 6, राजा बशारत। उस्मान बुज़दार की काबीना के वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर राजा बशारत पर उनकी अहलिया सीमल राजा ने एक संगीन नोयत का इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने सेनेटर परीगुल आगा को तलाक देने के बावजूद भी 1.5 साल से अपने घर रखा हुआ है। सीमल राजा ने सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए ये भी कहा था कि अगर इदारों ने इस बात का नोटिस ना लिया तो मुल्क भर में ये कल्चर परवान चढ़ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मेरा शौहर शादीशुदा खवातीन को झांसा देकर उनके घरों को बर्बाद करता है और फिर उनकी जायदाद हड़प कर जाता है। मैं भी बदकिस्मती से राजा बशारत की बीवी हूँ जो आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरता। आपको याद होगा कि सीमल कामरान राजा ने 2018 में राजा बशारत को पार्टी टिकट देने पर इमरान खान के बनी गाला घर के सामने एहतजाज भी किया था, जबकि राजा बशारत ने मीडिया पर बात करते हुए कहा था कि ये सब ब्लैकमेलिंग है। अगर उनके खिलाफ मुकदमात हैं तो कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हुए? जहाँ तक सीमल राजा का सवाल है तो वो मेरी बीवी नहीं। याद रहे कि सीमल राजा भी रुकने सूबाई असम्बली रह चुकी हैं। नंबर 7, आज़म खान होती। साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती के वालिद सेनेटर आज़म खान होती के हवाले से भी कहा जाता है कि वो ख़वातीन से शादी करके उन्हें तलाक दे दिया करते थे। उनकी साबिका अहलिया शमीम कयानी का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि आज़म खान होती ने हक महर अदा किए बग़ैर उन्हें तलाक दे दी। याद रहे कि शमीम कयानी ने इंसाफ न मिलने पर इस्लामाबाद में IG ऑफिस के सामने खुद सोजी की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। नंबर 8, कश्माला तारिक। दोस्तों, अभी चंद हफ्ते पहले आपने साबिक MNA कश्माला तारिक की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी होंगी। उनके शौहर वकास खान इस्लामाबाद में बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक हैं। याद रहे कि ये कश्माला तारिक की दूसरी शादी थी। उनके पहले शौहर तारिक रशीद कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं। नंबर 9, शाजिया मरी। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर रहनुमा और MNA शाजिया मरी के हवाले से कहा जाता है कि उनकी उम्र 14 साल थी कि उनकी शादी हुई। इसके ठीक 2 साल बाद जब शाजिया मरी 2 बच्चों की माँ थी तो उन्हें तलाक दे दी गई। आलमी रहनुमाओं की बात कर ली जाए तो इस लिस्ट में पहले आते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दुबई के अमीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के बारे में आपने सुना होगा कि 2019 में उनकी अहलिया शहजादी हया बिनते हुसैन ने उनसे अलहदगी इख्तियार की। उनकी अलहदगी को लेकर कई मुतजाद खबरें आलमी मीडिया पर नशर होती रहीं। ऐसा भी कहा जाता रहा कि हया बिनते हुसैन अपने शौहर को छोड़कर रू पोश हो गईं। याद रहे कि शहजादी हया बिनते हुसैन का ताल्लुक उर्दन से है। उर्दन के बादशाह हुसैन बिन तलाल उनके वालिद थे, जबकि मौजूदा किंग अब्दुल्ला बिन हुसैन उनके भाई हैं। इसी तरह से रूस के सदर व्लादिमीर प्यूटन, फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी और जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला भी ऐसे आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी बेगमात को तलाक दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ISI के सरबराहान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल जिलानी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और एजाज़ुल हक के इंटरव्यू के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।